एपिसोड 49 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर जियान के अंदर डाल रहे होते हैं। इसी वजह से जियान कुछ ही देर के अंदर होश में आ जाता है और उसकी नजर सबसे पहले मास्टर के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है, मास्टर 2 साल बीत चुके हैं, मैंने आपको नहीं देखा है, आप कैसे हो? तो मास्टर प्यार से बोलते, मैं बहुत ठीक हूं, पर मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी है। तो ये सुन के जियान बोलता है, मास्टर मैं भी आपके लिए ऐसी कुर्बानियां रोज दे सकता हूं, बस उसके बदले जो मेरे मास्टर वो एकदम फिट एंड फाइन रहे। ये सुन के मास्टर खुश हो जाते और फिर जियान और मास्टर खड़े हो जाते हैं। और फिर जियान सबसे पहले क्वीन मेडुसा को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए, पर क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा है, इसलिए वो बोलती है, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, तुम्हारी जान तुम्हारे मास्टर ने बचाई है, और मैं तो इसलिए डर गई थी, मुझे लगने लगा था कि मेरी पिल तो गई। और ये बोल के काइलिन वहां से चली जाती है। और फिर मास्टर बोलते, मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन मेडुसा की सोल हैवी स्वेलिंग पाइथन के साथ इतनी जल्दी कंबाइन हो जाएगी, और इसी वजह से अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, इसलिए अब मुझे उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये सुन के जियान बोलता है, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, 1 साल के लिए मैंने काइलिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। पर तभी मास्टर शॉक हो जाते और बोलते, काइलिन? तो ये सुनतिकन जो ठरकी होता है वो शर्मा जाता और बोलता है, मास्टर ये नाम मैंने दिया है उसको। ये सुनतिकन मास्टर का दिमाग खराब हो जाता और बोलते, साले ठरकी, तुझे पता भी उस औरत के बारे में? वो दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक औरत है, वो लोगों की गर्दन ऐसे काटती जैसे कोई मूली काटता है, पर तू साले उसके बवाल लोग पे फिदा हो गया, इसलिए अब थोड़ा सा तुम केयरफुल रहना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर उसकी सटकी तो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी और तुम अपनी पावर से उसे रोक भी नहीं पाओगे। फिर मास्टर थोड़ी देर सोचते और फिर जियान के पास जाते और बोलते हैं, तुम इस मामले में भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। ये सुनती जियान भी टॉय हमें सर हिला देता है और फिर मास्टर से बोलता है, मास्टर आप 2 साल के अंदर डीप स्लीप के अंदर है, इस वजह से आपकी जो ताकत है वो भी बढ़ चुकी है। तो ये सुन के जो मास्टर होते थोड़े से निराश हो जाते और बोलते, ये बड़ी पावर नहीं बोल सकते हैं, ये तो बस थोड़ा सा डीप स्लीप के अंदर रहने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, अगर मुझे पूरी तरीके से रिकवर करना है उसके लिए मुझे अपनी बॉडी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और फिर जियान से फॉरन आर्ट फिल्म के बारे में पूछते तो जियान बोलते, हाँ मास्टर मैंने उसे रिफाइन कर लिया है। तो ये सुन के मास्टर खुश हो जाता है और बोलते, बहुत बढ़िया लड़के, मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और फिर जियान बोलते, मास्टर आपका जो गद्दार स्टूडेंट था मैंने उसे भी मार डाला है। ये सुनतिकन जो मास्टर होते हैं वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज से हो जाते हैं और फिर गहरी सांस लेते हैं और फिर जियान का पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं, थैंक यू जियान। ये सुन के जियान को काफी अच्छा लगता है और फिर वो मास्टर से बोलता है, मास्टर मैंने जब हैंग फेंग को मारा था तब वहाँ पे होलोप सोल का भी एक मेंबर आया था और वो हैंग फेंग की सोल को अपने साथ ले गया। और होलोप सोल नाम सुनतिकन मास्टर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती और फिर वो जियान से बोलते हैं, तो इसका मतलब जो हैंग फेंग है वो अभी पूरी तरीके से नहीं मरा है। तो ये सुन के जियान काफी शॉक हो जाता और बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ मास्टर, क्या होलोप सोल वाले हैंग फेंग को जिंदा करने में हेल्प करेंगे? तो मास्टर बोलते, अब तो मैं इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी, एक बार वो मर चुका तो उसका काम खत्म समझ लो, टेंशन की बात तो अब होलोप सोल वाले हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि मेरी सोल तुम्हारे पास है, इसलिए वो फ्यूचर में अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर को भेजेंगे तुमसे मेरी सोल को लेने के लिए। तो ये सुन देखें जियान थोड़ा सा पोज मारता और बोलता है, मास्टर आने दो उन लोगों को, मैं अकेले उन सभी को हरा डालूंगा और साथ ही मुझे होलोप सोल का ही हाथ लगता है मेरे फादर को गायब करने में। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें हैंग फेंग की सोल दिखाई जाती है जिसे होलोप सोल का बंदा पकड़ के ले जा रहा होता है। तो हैंग फेंग उससे बोलता है कि मैं नहीं मैसेज भेजा था और साथ ही मैंने होलोप सोल के मूव के साथ मिलकर अपने मास्टर को मारा था। पर उसकी बकवास सुनते कर उसका दिमाग खराब हो जाता और वो हैंग फेंग को पटक देता है और बोलते, तुम जैसे होलोप सोल के अंदर बहुत सारे वॉरियर है इसलिए तुम जैसे लपक जंगों की हमको कोई भी जरूरत नहीं है। और वो हैंग फेंग को उठा लेता और उसकी सोल को चूसने लगता है। तो हैंग फेंग तड़पते हुए बोलता है, मैं वही बंदा हूँ जिसने अपने मास्टर को मारने के लिए खुद फील्डिंग सेट करी थी और फिर मैंने होलोप सोल के साथ मिलकर धोखे से उनको मार डाला और साथ ही मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगी। ये सुनते कर वो बंदा हैंग फेंग को छोड़ देता है और बोलता है, क्या ही घटिया आदमी, तूने अपने मास्टर को ही धोखा दे दिया, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात का ध्यान रखना, मुझसे करी गद्दारी तो पड़ जाएगी तेरे को भारी। और फिर वो अपनी चैन से हैंग फेंग को पकड़ लेता और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। और फिर सीन चेंज होकर फिर से जियान के पास आ जाता है जहाँ पे जियान अपनी नई वाली फिल्म मास्टर को दिखा रहा होता है। तो मास्टर उसे देख के बोलते, वाह लड़के तूने क्या ही फ्यूज किया दोनों फिल्मों को। तो जियान बोलता, मास्टर देखो मैंने 2 अलग अलग फिल्मों को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया, इस वजह से क्या मैं आपके लिए एक बॉडी रिफाइन कर सकता हूँ? तो मास्टर जियान का सर सहलाते हुए बोलते हैं, बोन चिलिंग फिल्म मेरी है, इस वजह से अगर तुम मेरी फिल्म को यूज करते हो तो शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और साथ ही बॉडी रिफाइन करने के लिए जो मटेरियलों की जरूरत पड़ेगी वो भी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए मुझे अभी कोई भी जल्दी नहीं है बॉडी के लिए। तो ये सुनते हैं जियान एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता और बोलता है, मास्टर आप मुझे बताओ तो क्या चाहिए, क्योंकि इस ब्लैक कंडीशन के अंदर अब मेरा दबदबा है, इसलिए शायद जो चाहिए आप उन लोगों को वो शायद यहाँ पे मिल जाए। ये सुन के मास्टर थोड़े से हंसते और बोलते हैं, ये वो चीजें नहीं जो इंसान के ढूंढने से मिल जाती है। पर जब वो जियान को एक्साइटमेंट से भरा हुआ देखते तो मास्टर बोलते, ठीक है बताता हूँ, पर सच में अभी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी बॉडी रिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है शेंग यू पिल, जो कि टीयर 7 की पीक की पिल है जो अपग्रेड होगी, टीयर 8 के अंदर भी जा सकती है। और सेकंड चीज है एक एनहांस ब्लड लाइन का टीयर 7 का मॉन्स्टर का कोर, और इस ब्लड लाइन का जो मैजिकल बीस्ट होता है उसकी पावर डाउजोंग के लेवल के वॉरियर जितनी होती है। और तीसरी चीज है एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की बॉडी, और वो भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अब बताओ तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम एक भी चीज इनमें से जुगाड़ कर पाओ? और यहीं पे ये सब नाम सुन के बेचारे जियान को तो दौरे पड़ जाते हैं, उसका
आंख मुंह कान और गगगगग वो भी फट जाती है। मास्टर भी जियान को देखते तो मास्टर भी शॉक हो जाते क्योंकि उनके चेले को दौरे पड़ रहे होते हैं। और फिर मास्टर निराश होते हुए बोलते हैं, इन चीजों को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए मैं तुमको मना करा था अभी बॉडी रिफाइन करने के लिए, और इसीलिए तुम अभी टेंशन मत लो इन सभी चीजों की। और यहीं पे जियान भी सदमे से बाहर आ जाता और मास्टर से बोलता, मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप मुझ पे बस विश्वास रखो, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए मैं आपके लिए ये तीनों चीजें अरेंज करके रहूंगा और तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा जब तक मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन नहीं कर देता हूँ। मास्टर भी जियान का जोश देख के खुश हो जाते और बोलते कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और साथ ही मेरी सोल जब बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएगी तब जो मेरी पावर होगी वो मेरी पीक पर होगी और जब मेरे पास मेरी पावर होगी तब अपन दोनों जाएंगे तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के क्लैन उसका हाथ मांगने के लिए तुम्हारे लिए, और मुझे बस ये देखना होगा कि वो लोग मुझसे बात करेंगे। ये सुनकर जियान थोड़ा सा गुस्से में आ जाता और बोलता कि वो सिर्फ डाओ शेंग लेवल के वॉरियर को सिर्फ अटेंशन देते हैं, और ये सोच के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता। तभी मास्टर उसके पास आती और बोलते, जियान तुम टेंशन मत लो, तुम अपने टैलेंट से आज नहीं तो कल अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के लिए क्वालिफाई हो ही जाओगे जो कि तुम 20 साल के अंदर ही डाओ वैंग लेवल पे पहुंच चुके हो, और इतने कम टाइम में इस लेवल पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जो कि यहाँ पे हर कोई नहीं पहुंच पाता है, और इसलिए तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। और ये सोच के जियान काफी ज्यादा जोश में आ जाता। फिर तभी उसे याद आता है लाइफ डिवोरिंग पिल की, तो वो स्क्रोल और पिल को बाहर निकाल लेता और मास्टर को दे देता है। मास्टर उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती और जियान से पूछते हैं क्या है, तो जियान बोलता है ये लाइफ डिवोरिंग पिल का फॉर्मूला और लाइफ डिवोरिंग पिल है और ये मेरे सेकंड भाई को मिली थी। ये सुन के मास्टर के एकदम से होश उड़ जाते और बोलते ये मत बोल देना तुम कि तुम्हारे भाई ने इस पिल को खा लिया है। तो ये सुन के जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता और बोलता है कि जब मेरे भाई को पता चला कि हैंगपेंग ने मुझे मार डाला है तो उसने मेरा बदला लेने के लिए उस पिल को खा लिया, जिस वजह से वो डाउवेंग लेवल पे पहुंच गया और वो मेरा बदला लेने लगा ब्लैक लाइन से, पर अब उसके पास एक साल की जिंदगी बची है। ये सुन के मास्टर को भी काफी ज्यादा बुरा लगता और बोलते ये जीव फैमिली के लोग इतने ज्यादा अच्छे क्यों होते हैं। तभी जियान बोलता है मास्टर क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने भाई की जान को बचा पाऊं और इसके असर को कम कर पाऊं। तो मास्टर इसके बारे में सोचने लगते और सोचते सोचते वो बोलते हैं इस दुनिया के अंदर जितने भी पॉइजन है उनका कोई ना कोई तो तोड़ जरूर है, तो इसका भी कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, पर हालांकि मैं पक्का श्योर तो नहीं हूं पर मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा इसके बारे में पता करने की। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता और मास्टर के पास आता और बोलता है मास्टर थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो मास्टर बोलते कि मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम अभी के लिए जाकर रेस्ट करो। तो जियान भी झटपट जाकर बैठ जाता और कल्टीवेशन करने लगता है, और फिर मास्टर अपना सर पकड़ लेते और बोलते हैं इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर सीन चेंज होकर उन ब्लैक कॉन्जन के ग्रुप के पास आ जाता है जहाँ पर उन्हें तीन रशियनों को बुला रखा होता है और उनकी रेट 9,000 थी और सभी लोग मस्त मजे ले रहे होते। तभी परम सुंदरी बोलती है 2 महीने बीत चुके ऑप्शन हाउस को खत्म हुए और तब से मैंने उस जियान को नहीं देखा है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो फेंग सिटी के अंदर नहीं है। तभी जोश से भरा हुआ गैड़ा हाथी बोलता है अगर उस दिन फेंग सिटी के अंदर जियान नहीं टपकता तो आज फेंग सिटी अपने हाथ होती। तो ये सुनतीकन परम सुंदरी बोलती है तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, क्या तुम ये सोच रहे हो अगर जियान दिखाई नहीं दिया फेंग सिटी के अंदर कुछ टाइम तक तो तुम फेंग सिटी के ऊपर हमला कर दोगे और उस फेंग सिटी को कब्जा लोगे। ये सुनतीकन वो दोनों पोज मारते और हंसने लगते जोर जोर से और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता और बाहर की एनर्जी को ले रहा होता है और कुछ ही टाइम बाद उसका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है और वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से कुछ ही टाइम के अंदर वो गुफा से बाहर आ जाता है और फिर वो आसमान में बिना विंग्स के खड़े हो पा रहा होता है अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड की मदद से। अभी वो छोटा मोटा ओपन माउंटिंग सील से हमला कर देता है जिस वजह से आसपास के पहाड़ हिल जाते हैं और फिर वो आसमान से नीचे टपकने लगता है, पर वो जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है तभी वो अपनी दुई की विंग्स को बाहर निकाल लेता है और मस्त उड़ता हुआ उसी पहाड़ की चोटी पे वापस आ जाता है। और फिर जियान अपने आप को देखने लगता है तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते और बोलते हैं तो फाइनली अब तुम्हारी पावर फिर से बढ़ चुकी है और साथ ही जो जख्म थे वो भी खत्म हो चुकी है, पर हाँ अभी भी थोड़ी बहुत कमियां हैं वो मैं रिफाइनिंग से सही कर दूंगा। तो जियान बोलता है ठीक है मास्टर, मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं जीमा एम्पायर नहीं जाने वाला हूँ। और जीमा एम्पायर नाम सुनती खन मास्टर बोलते हैं 3 साल हो चुके जीमा एम्पायर को छोड़े हुए पर ये टाइम काफी जल्दी बीत चुका। वहीं पे जियान भी ये बात सुनता है तो जियान भी पुराने फ्लैशबैक में चला जाता और बोलता है आज से 3 साल पहले मैंने नायान को हराया था पर उसके बाद पंगा हो जाता, फिर वहाँ पे यूनसेन आ जाता और फिर वो मुझे कुत्ते की तरह वहाँ से भगा देता है, पर अब मैं वापस जाऊंगा और मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा चुन चुन कर। तो मास्टर भी आगे आते और बोलते तुम्हारे पास कोई प्लान है वहाँ पे वापस जाने के लिए। तो जियान बोलता है हाँ मास्टर मेरे पास एक प्लान है, मैंने ब्लैक कॉनिजन के अंदर एक जी गेट को ओपन किया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके अंदर काफी सारे वॉरियर भी है और उसकी वजह से मैं मिस्टी क्लाउड से अपना बदला लूंगा, उसकी वजह से जो मेरे सेकंड भाई और फर्स्ट भाई को झेलना पड़ा और मेरी फैमिली को झेलना पड़ा सबका बदला लूंगा मैं उससे और मैं बदला लेने अपना बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जी गेट का मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों सेक्ट बैठे हुए होते और बोल रहे होते हैं बहुत ही जल्दी टाइम आने वाला है मिस्टी क्लाउड सेक्ट से फाइट करने का, पर हम लोग मिस्टी क्लाउड सेक्ट तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे साथ जियान नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अंदर भी एक डाउजोंग है, इसलिए हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अभी गेड़ा आती बोलता है जियान को देखे हुए 3 महीने बीत चुके हैं, ऑप्शन हाउस से जियान का कुछ अता पता ही नहीं है। और फिर परम सुंदरी बोलती है इस ब्लैक कॉन्जन के अंदर जितने भी लोग है वो जी गेट से इसलिए डरते क्योंकि उसका मास्टर जियान है और जब ब्लैक कॉन्जन के लोगों को पता चलेगा कि जी गेट का लीडर ही नहीं है यहाँ पर तो पता नहीं कब कौन यहाँ पे हमला कर दे। ये सब सुन के गिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता और बोलता है तो उन सभी लोगों से मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा हमारे जी गेट का जो लीडर है वो हमारे पास ही है और वो बहुत ही जल्दी वापस आ
आ जाएगा। पर उन तीनों को ये बात मजाक लग रही होती है और वो हंसने में लगे हुए होते गिली के ऊपर। पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों को अभी भी अपने एग्रीमेंट पे डाउट है तो तुम तीनों मुझसे बात कर सकते हो। और जियान को देखते कर उनकी हालत खराब हो जाती। तभी परम सुनती बोलती, भैया हम लोगों को तो बस आपकी टेंशन हो रही थी, इस वजह से हम तो बस गिली से पूछ रहे थे आपके बारे में। तो जियान बोलता, सब चीज एग्रीमेंट के हिसाब से चल रही है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हम लोग आज से 2 महीने बाद वापस जीमा एम्पायर जाने वाले, तब तक आप लोग तैयारी करो और मैंने आपसे जो चीजें प्रॉमिस की वो आपको मिल जाएंगी। तो वो तीनों भी हाँ में हाँ मिलाते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी गिली भी जियान के पास आता है और जियान में एक धरके देता और बोलता, कहाँ था तू तब से, तेरे यहाँ ना होने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी यहाँ पर, तुझे आइडिया भी है। ये सुनकर जियान हंसने लगता और बोलता की अब टाइम आ चुका है वापस जीमा एम्पायर जाने का और हम लोग आज से 2 महीने बाद वापस जीमा एम्पायर जाएंगे, इसलिए तुम सारी तैयारियां पूरी कर लो। तो ये सुनकर गिली भी काफी एक्साइटेड हो जाता और बोलता की मैं भी इस दिन का इंतजार कर रहा था। बट तभी जियान गिली से बोलता है, भाई मैं वापस जीना अकेडमी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है वहाँ पर, इसलिए तुम सब कुछ देख लेना। और फिर वो दोनों हाथ मिलाते और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जीनन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान और किन मेडुसा जा रहे होते हैं। वहीं पे किन मेडुसा को देखकर लड़के तो बावले हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, नहीं नहीं सोके सोके सोके, क्या ही अदा है, क्या ही चाल है, क्या ही फिगर है, लड़कियां तो बहुत देखी पर इससे सुंदर मैंने आज तक नहीं देखी। पर तभी वो लोग जियान को ही पहचान जाते और बोलते, वाओ इसकी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इतनी सुंदर औरत तो आज तक बनी ही नहीं है। ये सब सुन के जियान शर्माने लगता। वहीं पे किन मेडुसा को ये सब की आदत पड़ चुकी थी इसलिए वो इन बच्चों को अवॉइड करती और वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं पे जियान भी ये देखता तो जियान भी अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड से वहाँ से निकल लेता है और फिर हमें फर्स्ट एडर दिखाए जाते हैं। पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है तो फर्स्ट एडर भी उसे अंदर बुला लेते हैं। पर तभी फर्स्ट एडर की नजर किन मेडुसा के ऊपर पड़ती है जिस वजह से उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो जियान बोलता है, फर्स्ट एडर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सेट हो चुका है, बस इसे सेट करना बाकी है। और फिर किन मेडुसा वहाँ से चली जाती। तभी फर्स्ट एडर बोलता है, बच्चे बहुत दिन हो चुके तब से तो स्कूल नहीं आया है और जो बच्चे ज्यादा छुट्टी मारते वो बैड स्टूडेंट होते हैं और इसलिए अब तुम भी एक बुरे स्टूडेंट बन चुके हो। तो ये सुन के जियान थोड़ा सा क्यूट बनने की कोशिश करता। तभी फर्स्ट एडर पूछते, बेटा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जियान बोलता कि मैं 2 महीने बाद वापस जीमा एम्पायर जाने वाला हूँ, इस वजह से मैं आपसे चाहता हूँ जी गेट की हेल्प करो। तो पहले तो फर्स्ट एडर थोड़े से मनठाने लेते और बोलते कि नहीं यार, जीनन अकेडमी और ब्लैक कॉर्नर जिन का रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पर थोड़ी देर बाद जो फर्स्ट एडर होते हैं वो मान जाते जी गेट की रक्षा करने के लिए, पर वो एक बात क्लियर कर देते हैं, मिस्टिक क्लाउड सेक्टर के साथ जो जियान की फाइट होने वाली उसमें वो कोई भी मदद नहीं करेंगे जियान की। तो जियान बोलता कोई बात नहीं, पर आप जो मेरी मदद करे उसको जियान हमेशा याद रखेगा। पर तभी फर्स्ट एडर बोलते, अगर तुम चाहो तो इनर अकेडमी के एल्डर को ले जा सकते हो, क्योंकि जो एल्डर होते वो अपनी मर्जी के मालिक होते, वो अगर तुम्हारे साथ जाना चाहते तो वो जा सकते हैं और वो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के साथ फाइट करने में, क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट जीमा एम्पायर का सबसे पावरफुल सेक्ट है और साथ ही उसके साथ एक डाउजोंग भी है और इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा उसको हराने का, इसलिए जाओ और उसे हरा दो, बस अपना ख्याल रखना। और ये सब बातों के लिए जियान फर्स्ट एडर को थैंक यू बोलता है और इसी झुकी हुई पोज के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।